हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली स्टैटिक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम अपने इस सीरीज़ में स्टैटिक पोर्शन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट पर विचार कर रहे हैं। आज हम अपने डिस्कशन में कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारियों पर विचार करेंगे। ये कला संस्कृति पर हमारा तीसरा डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, खुजराहो मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, आपको खुजराहो मंदिर के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, वे चंदेल शासकों द्वारा विकसित किए गए थे। फ्रेंड्स, खुजराहो मंदिर कोई एक मंदिर नहीं है, खुजराहो मंदिर बहुत सारे मंदिरों का समूह है जिसका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा अपने शासनकाल में करवाया गया था। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के आसपास देखे जाते हैं, यानी कि पहला जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कहता है, मंदिर बलुआ पत्थर से बने थे। ये जानकारी को आप याद कर लीजिए, खुजराहो मंदिर के अंतर्गत बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया है और उनका निर्माण बलुआ पत्थर से करवाया गया है। यूपीएससी ने 2019 में एक प्रश्न पूछा था कि संबंधित वास्तुकला का निर्माण किस चीज से किया गया है, तो आप याद रखेंगे पूछती है यूपीएससी, इसीलिए यह प्रश्न याद रखें कि खुजराहो मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से करवाया गया है। तीसरा कथन क्या कहता है, खुजराहो के मंदिरों में मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रभाव है। फ्रेंड्स, ये गलत है। देखिए, भारत है, भारत के उत्तरी हिस्से में मंदिर वास्तुकला को निर्मित करने के लिए जिस शैली का उपयोग किया जाता है उसे नागर शैली कहा जाता है। दक्षिण में जिस वास्तुकला का उपयोग किया जाता है उसको द्रविड़ शैली कहा जाता है, और बीच में इन दोनों को के कुछ कुछ गुणों को मिलाकर जिस शैली का उपयोग किया गया उसे बेसर शैली कहा जाता है। मैंने बताया कि खुजराहो मंदिर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के आसपास पाए जाते हैं, तो ये जो मंदिर है वो उत्तर भारत में आता है, यानी कि नागर शैली से यहां पर निर्मित करवाया जाएगा। आपको सही पूछा गया है, तीसरा गलत हो जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान रखें। यदि हम बात करें इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का, तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे इन्होंने हालांकि नागर शैली के प्रतीकों को अपनाया, नागर शैली के वास्तुकला के रूपों को अपनाया, लेकिन इसके बावजूद खुद का एक अलग शैली विकसित की और उसे खुजराहो शैली भी कहा जाता है। इस अलग शैली में इनके जो मंदिर होते थे उनकी दीवारों पर अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर नकाशी की जाती थी, पहली इसकी विशेषता। दूसरी, इसकी जितने भी मंदिर हैं, खुजराहो के अंतर्गत जितने भी मंदिर हैं वहां पर कामुक मूर्तियों का निर्माण करवाया गया है। आप यहां देख सकते हैं कि किस प्रकार की कामुक मूर्तियों का निर्माण करवाया गया है। अगला, मैंने बताया कि ये बलुआ पत्थर से निर्मित किए गए हैं। खुजराहो मंदिर में पंचायतन शैली देखने को मिलती है। यूपीएससी ने पूछा था कि पंचायतन शैली किससे जुड़ी हुई है, तो आप याद रखेंगे पंचायतन शैली जो है वो मंदिर वास्तुकला से जुड़ी हुई है। क्या होता है पंचायतन शैली? पंचायतन शैली कहने का मतलब होता है कोई मंदिर है, उस मंदिर में एक तो मुख्य देवता होगा जिसके नाम से उस मंदिर को जाना जाता होगा, जिसको उस मंदिर में पूजा जाता होगा, उसके अलावा छोटे छोटे और बहुत सारे ऐसे मंदिर होंगे उसी परिसर में जहां पर मुख्य देवता के अलावा दूसरे देवताओं के रूपों को स्थापित किया जाता है। इस शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है, ठीक है, तो आप उसे ध्यान रखेंगे। यहां जो खुजराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया चंदेल शासकों के द्वारा वो हिंदू, जैन और तांत्रिक गतिविधि से संबंधित बहुत सारे ऐसे मंदिर थे, तो आप ये याद रखेंगे कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म से भी, जैन धर्म से भी और तांत्रिक धर्म से भी जुड़े हुए हैं। तांत्रिक धर्म कहने का मतलब जो लोग पूजा पाठ करता है और भैरव बाबा को खुश करने की कोशिश करता है, तो आप जान रहे हैं तांत्रिक क्या होता है। उसी प्रकार के जो गतिविधि होती है वो भी चंदेल शासकों के अंतर्गत खुजराहो मंदिर कला में देखा जाता है। ये कुछ आकृतियां हैं, कितने अच्छे सुंदर निर्मित करवाया गया था उस काल में, आप इसे देख सकते हैं, कामुक मूर्तियों को आप देख सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी खुजराहो मंदिर कला के बारे में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, भारत में बौद्ध तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से कौन से हैं? चार स्थलों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि बौद्ध स्थल इनमें से कौन सा है।
यूपीएससी ने 2019 में ही पूछा था कि हड़प्पा से जुड़े हुए कौन से स्थल हैं। तो पूछा जा सकता है कि बौद्ध तीर्थ स्थल भारत में कौन से हैं। तो यहाँ पर चार स्थलों को के नाम दिए गए हैं, सिरपुर, कुशीनगर, नागापट्टिनम, कार्ले की गुफा। ये चारों जगह जो हैं वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, तीर्थ स्थल के रूप में आज भारतीय संस्कृति में बौद्ध संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। जो पूछा जा सकता है वैसे ही 10 स्थलों के नाम हम आपके सामने लेकर आए हैं, इनको आप याद रखने की कोशिश करेंगे। महाबोधि मंदिर जो बोधगया बिहार में है, नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरा, ओदंतीपुरी, पुष्पगिरी, जगदाला महाविहार, ये कुछ स्थल हैं जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में सिरपुर है, ललितागिरी, वजीरागिरी और रत्नागिरी, ये ओडिशा में है, इसे भी आप देख लेंगे। सारनाथ वाराणसी के करीब है, इसे भी आप जान रहे हैं, जहां पर भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में सांची और भरूत का स्तूप है। तमिलनाडु में नागीपट्टनम, इसे भी आप याद रखें। भजा और कार्ले की गुफा पुणे के नजदीक महाराष्ट्र में है, अजंता, एलोरा और पिथलकोरा की गुफा ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो ये वो स्थल हैं जो तीर्थ स्थल के रूप में कार्य करते हैं, किनके, बौद्ध धर्म के। तो आप याद रखें। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, शिव को समर्पित प्रसिद्ध कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था, चंदेल, पांड्य, चेर, प्रतिहार, आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। फ्रेंड्स आप याद रखें, कदरिया महादेव मंदिर जो है वो खुजराहो मंदिर समूह का एक हिस्सा है और ये चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था निर्माण, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आप इसे देख सकते हैं, ये देखने में कुछ इस प्रकार से है, ये काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ भगवान शिव को समर्पित मंदिर निर्माण करवाया गया है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। यदि पूछा जाता है कि कदरिया महादेव या फिर कदरिया सिर्फ लिखेगा, महादेव नहीं लिखेगा, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं कि भगवान शिव को महादेव भी कहा जाता है, तो वो जब ऑप्शन देगा तो इसी प्रकार से फंसाने वाला देगा, तो आप उन सारी बातों को ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, प्राचीन भारत में सर्वतोभद्र मंदिर का प्रकार क्या है, मतलब आपको बताना है कि जो मंदिर के एक प्रकार होते थे उसमें सर्वतोभद्र जो होता था वो क्या होता था। चार ऑप्शन में, एक बिना परिधि वाला मार्ग, एक परिधि पथ के साथ मार्ग, एक जो सभी पक्षों से सुरक्षित है, एक जो सभी पक्षों से पहुंचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसको मैप के माध्यम से देखेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। फिलहाल आप ये जानिए कि सर्वतोभद्र मंदिर का जो प्रकार होता है वो सभी पक्षों से मुख्य मंदिर के अंदर जो गर्भगृह होता है वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता होता है उसे ही सर्वतोभद्र कहा जाता है। आप इसके माध्यम से देखें आसान होगा। देखिए ये मंदिर है, मुख्य मंदिर के अंतर्गत यहां पर देवता है। अगर मानिए कि आप इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी, अगर ऐसा संभव है तो उस वाले मंदिर को सर्वतोभद्र कहा जाता है। ठीक, इसे तो आपने जान लिया। अगर हम बात करें मंदिर कला और स्तूप कला का, तो ब्राह्मणों के द्वारा मंदिरों पर बहुत सारी देवी देवताओं को की छवियों को रखा जाता है, स्थापित किया जाता है। इनमें जो देवताओं को स्थापित किया जाता है उनके अंतर्गत उनको पूजा करने के लिए या फिर जो मुख्य देवता होता है वहां तक पहुंचने के लिए तीन प्रकार की पद्धति का पालन किया गया था। एक होता है संधारा प्रकार, वो बिना प्रदक्षिणा पथ का होता था। कहने का मतलब है कि यहां से ब्लॉक होगा, व्यक्ति इधर से आएगा, चुपचाप यहां पूजा करेगा और वापस इसी रास्ते से वापस चला जाएगा, तो इसे क्या कहा जाएगा, संधारा। यदि प्रदक्षिणा पथ होगी, मतलब आएगा तो एक ही रास्ते से और आने के बाद मुख्य मंदिर के किनारे किनारे, इसको हटा देता हूं पहले, देखिए आएगा व्यक्ति, आने के बाद इसके मंदिर के किनारे किनारे घूम लेगा, जैसे कीर्तन वगैरह करते हैं तो मुख्य देवता के किनारे किनारे घूमते हैं, यदि वो प्रदक्षिणा पथ के किनारे मतलब घूम रहा है, मुख्य गर्भगृह जो है उसके किनारे किनारे उसको घूमने के लिए स्पेस दिया गया है, तो उसे निरंधारा प्रकार का कहा जाता है। ठीक, अगर
यहाँ प्रदक्षिणा पथ भी है, मतलब आने जाने का रास्ता भी है, और चारों दिशा से कोई व्यक्ति मुख्य मंदिर तक, मुख्य गर्भगृह तक पहुंच सकता है, तो उसे सर्वतोभद्र कहा जाता था। तो ये एक प्रकार है, तो इसे आपको याद रखना है। हमारे डिस्कशन का पांचवा प्रश्न क्या कहता है, अन्य प्रकार के हिंदू मंदिर वास्तुकला के विपरीत नागर वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आपको बताना है कि नागर वास्तुकला की इनमें से कौन सी विशेषता है। पहला कहता है बड़े गोपुरम की उपस्थिति, गलत। बड़े गोपुरम की उपस्थिति जो होता था वो द्रविड़ कला के अंतर्गत होता था। गोपुरम कहने का मतलब क्या, मंदिर होते थे, मंदिर में जो घुसने के लिए द्वार होता था ना, तो द्वार को सजा दिया जाता था बड़े गेट के रूप में। तो समझिए कि जो गेट बना हुआ है उसे ही आप गोपुरम कहेंगे, ठीक। तो ये द्रविड़ वास्तुकला के अंतर्गत देखा जाता था दक्षिण भारत में, तो पहला गलत हो जाता है। दूसरा क्या कहता है, मंडप अनुपस्थित थे, गलत है। आज भी आप किसी मंदिर में जाइए, मंडप वहां आपको देखने को मिलेगा। मंडप कहने का मतलब है मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर के चारों तरफ, मतलब ये तो मंदिर हो गया ऐसे, और मंदिर के चारों तरफ एक छोटा सा स्पेस होता है, बस ऊपर में ढाल दिया जाता है, ऊपर में ढाल दिया गया है, तो ये जो एरिया होगा ना उसको मंडप कहा जाता था। सारे को मैं इमेज के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करूंगा, आप देखेंगे आसानी से समझ जाएंगे। तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा कहता है कि गर्भगृह के ऊपर शिखर होता था, बिल्कुल सही है। जो मंदिर होता था उसके बीच में गर्भगृह होता था जहां पर मुख्य देवता होते थे, और उसी के ठीक ऊपर में एक ऐसे आकृति, त्रिकोण के आकार का आकृति होता था या फिर गोलाकार आकृति का होता था, तो इसे शिखर कहा जाता था। ये बिल्कुल सही है, यानी कि सही पूछा गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, आप ध्यान रखें। अगर हम बात करें इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण नामों का, तो आप सबसे पहले देखें अमलक कहा जाएगा। ये देखिए ये नागर शैली का चित्र है, तो अमलक कहा जाएगा। उसके ऊपर जो मंदिर के जो शिखर होता है, शिखर के जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होगा, वहां पर आपने देखा होगा कलसा देखा होगा। अभी आप अगर पूजा पाठ कभी किए होंगे तो देखे होंगे कलश होता है, कलश में आम के पत्ते रखे जाते हैं, ऐसे करके होते हैं। तो जो होता है ना निकला हुआ यहां पर, उसी को अमलक कहा जाता है, उसके ऊपर में कलश होता है, ठीक। यहां पर गर्भगृह है, उसके ऊपर वाला ठीक जो ये आकृति देख रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, शिखर। उसके बाद का जो एरिया होगा उसको हम लोग कहेंगे मंडप। ये चबूतरा के ऊपर निर्मित किया जाता था, किसको, मतलब नागर शैली में जितने मंदिर बनाए गए उसको एक चबूतरा के ऊपर बनाया जाता था, मतलब एक स्पेसिफिक ऊंचाई पर बनाया जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं ये द्रविड़ वास्तुकला का। तो द्रविड़ वास्तुकला में क्या होता था कि पंचायतन शैली का यहाँ पर पालन किया जाता था। दूसरा गोपुरम होता था, यहाँ पर ये देख सकते हैं ये गोपुरम होता है, मतलब प्रवेश करने के लिए एक अलग तरह का द्वार बनाया जाता था, विशाल से विशाल द्वार बनाने की कोशिश की जाती थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे। यहाँ पर अंतरों को मैंने आपके सामने रखा है, आप इसे देखें। कहता है कि नागर मंदिर का शिखर जो होता है वो शिखर या तो रेखीय होगा या तो वक्रकार होगा। तो आप देख सकते हैं या तो ये वक्र के रूप में है या तो रेखा के रूप में है, जबकि जो द्रविड़ शैली के शिखर होते थे वो पिरामिड आकृति के होते थे। तो आप ये देख सकते हैं ये पिरामिड की आकृति के होंगे, ऐसे इसके ऊपर निर्मित किया जाएगा, इसके ऊपर निर्मित किया जाएगा, तो ये पिरामिड आकृति के होते थे। पहला तो अंतर ये हुआ। दूसरा, नागर मंदिरों के शिखर में के सर्वोच्च भाग पर अमलक या तो कलश होता था, ये या तो नहीं, अमलक भी होता था और कलश भी होता था। लेकिन द्राविड़ शैली के अंतर्गत जो शिखर होते थे उनमें स्तूपिका होती थी, मतलब एक प्रकार का डब्बा, मतलब चौकोर या फिर आयताकार डब्बा रख दिया जाता था, तो वो उसी को स्तूपिका कहा जाता है। तीसरा क्या कहते हैं, नागर मंदिरों में सामान्यतः ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते हैं, जबकि द्रविड़ों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर चबूतरा है, लेकिन द्रविड़ शैली के अंतर्गत चबूतरा है नहीं है। चौथा कहता है, नागर मंदिर के अंतर्गत तालाब नहीं होते, जबकि द्रविड़ मंदिरों में तालाब की विशेषता देखी जाती है। क्या होता है कि मंदिर जो होते थे ना, नागर मंदिर, उनके किनारे किनारे ना तो चार दीवारी होती थी, नागर मंदिरों के किनारे किनारे चार दीवारी नहीं होती थी, और मंदिर के अंदर कोई तालाब वालाब नहीं होता है। लेकिन जो द्रविड़ शैली के अंतर्गत मंदिर बनाए जाते हैं वहां किनारे किनारे में चार दीवारी भी होती है, गोपुरम भी होता है, मैंने वो बताया क्या होता है, और बीच में एक जल की व्यवस्था के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए तालाब भी होता था। यह द्रविड़ कला की एक अलग विशेषता थी। अगला क्या कहता है कि नागर मंदिरों के
भव्य द्वार, प्रवेश द्वार भव्य नहीं होते थे, ठीक है, और उसका जो द्रविड़ कला से जो निर्मित द्वार होते थे वो भव्य होते थे, जिनको गोपुरम कहा जाता था। वास्तुकला की दृष्टि से नागर मंदिरों को प्रसाद कहा जाता है और द्रविड़ मंदिरों को क्या कहा जाता है, विमान कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। नागर शैली के विपरीत द्रविड़ मंदिर की ऊंची चार दीवारी से घिरी होती थी, मैंने बता दिया ये बात आपको। नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणीय होती हैं और जबकि द्रविड़ शैली की मंदिर अष्टभुजाकार होती हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, खोजने में मुझे तो याद कर लेंगे इन सारी बातों को, क्या कहाँ क्या होता है मैंने इसको बता दिया है। हमारे डिस्कशन का छठा प्रश्न क्या कहता है, भारत में भित्ति चित्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर तीन कथन दिए गए हैं, आपको भित्ति चित्र के बारे में गलत कथन की पहचान करनी है। जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने के लिए जाएं, सबसे पहले आप यही देखें, सही कथन पूछा गया है, गलत कथन पूछा गया, आपको अभी गलत कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है भित्ति चित्रों को प्राकृतिक गुफाओं और रोक कट कक्षों दोनों में पाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, भित्ति चित्र कहने का मतलब होता है पहले जो गुफा बनाए जाते थे तो उन गुफाओं पर जो दीवारें होती थी उन दीवारों पर बहुत सारे चित्रों को उकेरा जाता था और इन्हीं चित्रों को भित्ति चित्र कहा जाता था। ठीक, तो ये कहता है कि ये प्राकृतिक गुफा और रोक कट गुफा, मतलब प्राकृतिक गुफा यानी कि ये पहले से खुद बखुद बना हुआ है, केवल उसमें घुसे और जाकर चित्रकारी कर दिया, ये वहां भी देखा जाता है ऐसा बता रहा है। दूसरा कह रहा है रोक कट यानी कि हम लोगों ने जानबूझकर गुफा बनाया और वहां पर भी दीवारों पर हम लोगों ने भित्ति चित्र का निर्माण किया, तो ये जानकारी बिल्कुल सही है, आप याद कर लीजिए, भित्ति चित्र इन दोनों क्षेत्रों में देखा जाता है, सही पूछा गया है यानी कि पहला नहीं हो सकता, गलत पूछा गया है यानी कि पहला नहीं हो सकता है, तो आप हटा दीजिए ए सी और डी, आंसर तक आप पहुंच गए। अगला क्या कहता है कि ये पेंटिंग प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष है, जी नहीं, गलत है, जितने भी भित्ति चित्र बनाए गए ना, या तो वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं, या तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, या तो जैन धर्म से संबंधित हैं, जितने भी भित्ति चित्र हैं तो ये धार्मिक हैं, अलग अलग धर्मों को केंद्र में रखकर बनाया गया है, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा कहता है भित्ति चित्र अपने छोटे आकार के कारण अद्वितीय हैं, उन्हें कागज पर समाहित किया जा सकता है, गलत, भित्ति चित्र बहुत बड़े हैं, उनको कागज पर उकेरा नहीं जा सकता है, कागज पर उनको लिखा नहीं जा सकता है, तो पहला भी गलत, मतलब दूसरा गलत, तीसरा गलत, पहला सही, गलत पूछा गया है, ऑप्शन बी आंसर होगा, कौन क्यों गलत है आपने इसे देख लिया। जो चित्र उकेरे गए हैं उनमें से कुछ ये हैं, आप देख सकते हैं, ये अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा में ऐसे थे जिनका कुछ हिस्सा हम आपके पास लेकर आए हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी भित्ति चित्र के बारे में। हमारे डिस्कशन का सातवां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये तीन जानकारियां इनमें से किसके बारे में है। पहला कहता है इस दर्शन के अनुसार वेद शाश्वत हैं और सभी ज्ञान का भंडार है। फ्रेंड्स, ये जो जानकारी है ना, ये मीमांसा के अंतर्गत कहा गया है, वो भी उत्तर मीमांसा में। ठीक, इनमें कहा गया है कि वेद शाश्वत हैं यानी कि पूरी तरह से सत्य हैं, इनमें कोई गलत बात नहीं लिखा, और सभी ज्ञान, मतलब जितनी भी दुनिया में जितनी भी बुद्धि है, जितना ज्ञान है, सब चीज को इसमें लिखा गया है, ऐसा कौन कहता है, मीमांसा कहता है। ये कहता है कि धर्म का अर्थ है वेदों द्वारा निर्धारित कर्तव्य की पूर्ति। हम लोग अभी धर्म का मतलब क्या जानते हैं, धर्म मतलब धारण करना, जिस चीज को धारण किया जा सके उसको धर्म कहते हैं, लेकिन मीमांसा के अंतर्गत धर्म की परिभाषा दी गई है कि वेदों द्वारा निर्धारित कर्तव्यों की पूर्ति, मतलब जो चीज वेदों में लिखा गया है कि किसी चीज को पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यदि आप उसे करने में सक्षम हैं तो आप धार्मिक हैं, यदि आप उस काम को करने में सक्षम नहीं हैं तो आप धार्मिक नहीं हैं, ये वेदों के अनुसार है। वर्तमान में धर्म की परिभाषा क्या है, जिसको धारण किया जा सके, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, मुसलमान धर्म में हो, जिस चीज को भी धारण किया जाए, या फिर आपने जिस चीज को भी धारण किया तो वो आप उसी धर्म के हो गए, तो ये दूसरी जानकारी है मीमांसा के बारे में। तीसरा कहता है यह दर्शन न्याय वैशेषिक प्रणालियों को समाहित करता है और मान्य ज्ञान की अवधारणा पर बल देता है। यह बिल्कुल सही है, ऐसा स्टेटमेंट जो लिखा होता है ना उसको आप हमेशा सही मान के चलें, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कोई ये नहीं होता है कि आप उसको
जांचेंगे, चेक करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया क्या होगा, मीमांसा। ठीक, एक मिनट, यहां पर कुछ जानकारियां लिखी गई हैं, उसको आपको जानना है। सबसे पहले क्या कहता है कि भारत के छह आस्तिक धर्म हैं, न्याय, मीमांसा, ये सारी आप जान रहे हैं। तो छह हैं, उनमें से जो एक है वो मीमांसा है। मीमांसा शब्द का मतलब क्या होता है कि पूर्ण चिंतन, विवेचन और अनुप्रयोग की कला, ये होता है मीमांसा का मतलब। मीमांसा दर्शन के अनुसार वेदों को शाश्वत माना गया है। ऐसा माना गया है कि यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग और मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों द्वारा नियत सभी कर्तव्यों को पालन करना होगा। अगर व्यक्ति को मुक्ति चाहिए, स्वर्ग चाहिए या फिर किसी भी चीज में श्रेष्ठता चाहिए तो उसके लिए वेदों में जो भी चीज लिखा गया है उसको उसी हिसाब से करना होगा, तभी व्यक्ति को इन तीनों चीजों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कौन कहता है? मीमांसा दर्शन कहता है, जिसके प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। अगला क्या कहता है कि इस दर्शन के अनुसार मुक्ति अनुष्ठानों के निष्पादन से ही संभव है। यानी कि यदि आप कुछ महत्वपूर्ण अनुष्ठानों को करेंगे, जो पद्धति लिखी गई है उसको, उसकी पद्धतियों को करेंगे, तभी आप जाके मुक्ति प्राप्त करेंगे। कहता है कि साथ ही मुक्ति के उद्देश्य से किए जा रहे अनुष्ठानों की पूर्णता से संपन्न करने के लिए उनमें निहित तर्कों को समझना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि कोई आपको बता रहा है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, मतलब कोई पंडित है वो आपको बता रहा है कि ये स्वाहा कुछ जल डाल दो, वहां कुछ डाल दो, कुछ डाल दो। उसके कहे अनुसार यदि आप सिर्फ कर रहे हैं तब भी मुश्किल है आपको मुक्ति मिलेगी। आपको समझना पड़ेगा कि वो आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये भी बात कहता है मीमांसा। ठीक, जो चौथी बात है वो क्या कहता है कि मीमांसा दर्शन के अनुसार व्यक्ति के कर्म अपने गुण दोषों के लिए उत्तरदायी हैं। मतलब आप जिस चीज को आज फेस कर रहे हैं उसका वजह आप खुद हैं। आप जिस भी कंडीशन में हो उसकी वजह आप खुद हैं। मतलब आपके द्वारा किए गए चीजों का फल आपको ही मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। गुणयुक्त कर्मों के प्रभाव की अवधि तक व्यक्ति स्वर्ग का आनंद प्राप्त कर सकता है। मतलब आपने जितना काम किया है स्वर्ग प्राप्त करने लायक, उसके हिसाब से स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात इनके अंदर क्या कहा गया है, किंतु वे जीवन एवं मृत्यु से मुक्त नहीं होंगे। आपको मुक्ति मिलेगी कर्मों से, आप जीवन और मृत्यु ये तय है, मतलब आप आए हैं तो मरेंगे जरूर, इससे मुक्ति आपको नहीं मिलनी है। हालांकि इन चक्रों से आप मुक्त हो जाएंगे, जो बीच में मरना है या फिर जन्म लेना है, इस टाइप का जो चक्र होता है ना, इनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये बात कहा गया, अलग अलग प्रकार के ये बताए गए हैं, सृष्टि बताए गए हैं, मतलब दो प्रकार के सृष्टि बताए गए हैं, एक तो महासृष्टि और दूसरा खंड सृष्टि। और जबकि प्रलय जो बताया गया है वो तीन प्रकार का प्रलय बताया गया है, एक तो प्रलय, एक महाप्रलय और एक खंड प्रलय। और इसी के अंतर्गत उन्होंने भूकंप और इस तरह के जितने आपदा आते हैं उनको इन्होंने उल्लेखित किया है। तो इन बातों को याद रखेंगे, क्योंकि जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है ना पिछले 2-3 सालों से दर्शन शास्त्र से, वो काफी टफ पूछ रही है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा तभी आपके क्वेश्चन हो पाएगा। आठवां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म खुजराहो मंदिरों से जुड़ा हुआ है। यहां पर आपको मैंने अभी पहला या दूसरा क्वेश्चन में बताया था कि खुजराहो मंदिर कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं, तो ये हिंदू धर्म से भी जुड़े हुए हैं, जैन से भी जुड़े हुए हैं, तांत्रिक संप्रदाय से भी जुड़े हुए हैं। तो ए बी सी मतलब बी आंसर होगा, आप ध्यान रखेंगे। हिंदू धर्म से कैसे जुड़े हुए हैं, इसे तो हम लोग देख ही रहे हैं, कदरिया महादेव मंदिर इत्यादि। और इसी प्रकार से जो तांत्रिक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं वो 64 योगिनी मंदिर, हमने अपने पिछले डिस्कशन में देखा था, वहां पर बहुत सारे तांत्रिक गतिविधियां की जाती हैं और उसी के मॉडल को पालन करके भारत के संसद को भी निर्मित करवाया गया है। तो ये 64 योगिनी मंदिर जो है वो तांत्रिक संप्रदाय से जुड़ी हुई है। जो खुजराहो मंदिर है ना वो मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि इसके कुछ कुछ जो शैलियां है ना वो तमिलनाडु, ओडिशा और तमिलनाडु में भी देखने को मिलती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। नवा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित स्थानों और उनसे जुड़ी सुविधाओं पर विचार करें। मतलब एक तरफ कुछ स्थल दिए गए हैं और वो क्या है उसके बारे में बताया गया है। खुजराहो हमने अभी अभी देखा, ये क्या है,
खुजराहो क्या है? खुजराहो जो है वो कदरिया महादेव मंदिर, ठीक, उसके बाद में सांची स्तूप है, उसके बाद कारले की गुफा, एक चैत्य है। चैत्य कहने का मतलब होता है जहां पे जो बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म के अनुयायी थे, जो जहां पर रुकते थे, आराम करते थे, उसको चैत्य कहा जाता है। ठीक, तो ये क्या है, कारले की गुफा, ये चैत्य है। देवगढ़, ये दशावतार मंदिर। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ए का हो जाएगा सी, यानी कि आंसर हो गया ए। तो आप याद रखें, ये फैक्ट है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इनको आप याद कर लेंगे। हमारे डिस्कशन का अंतिम प्रश्न क्या कहता है, तोलकाप्यम संगम साहित्य चार जातियों को संदर्भित करता है। संगम साहित्य में चार प्रकार की जातियों का वर्णन किया गया है, उसके अनुसार यानी कि तद अनुसार वेनिगर कौन थे, मतलब चार प्रकार के जातियों का वर्णन किया गया है, समूहों का वर्णन किया गया है, कहां पर, संगम साहित्य के अंतर्गत तोलकाप्यम में। तो आपको बताना है कि जो वेनिगर थे वो कौन थे। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, जो वेनिगर थे वो व्यापारी हुआ करते थे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। जो चार जातियां थी उनमें जो पहली थी वो अरसार थी, जिनको शासक वर्ग कहा जाता था, प्रतिहार थी, उनको पुजारी कहा जाता था, वनिगर जो थी वो व्यापारी थी, और वेल्लार जो थे वो कृषक थे। ये बार बार पूछा जाता है, वेल्लार कौन थे, तो ये कृषक थे, आप याद रखेंगे। जो साउथ की मूवी आप कभी कभी देखेंगे तो वहां पर नाम में टाइटल लगा होता है वेल्लार, बहुत बार ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।